भैया आप लोग तो अपनी पेंशन पक्की कर लें, इनकी पेंशन की चिंता नहीं। कुछ मैं आंकड़े दिखाना चाहूंगा। मान्यों के पेंशन के फैंड पर कैंची कब चलेगी, क्योंकि लोकसभा में कितने पूर्व सांसद हैं, 3,580 पूर्व सांसद हैं जिनको पेंशन अभी भी दी जाती है, और जबकि 268 पूर्व सांसदों के आश्रित पेंशन लेते हैं। राज्यसभा का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, राज्यसभा का आंकड़ा देखिए, 508 पूर्व सांसद पेंशन लेते हैं और 219 पूर्व सांसदों के आश्रित पेंशन लेते हैं। और 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं देखूं तो 2017-18 में पेंशन 58 करोड़ रुपए प्रति महीना जा रही है। ये 2017-18 के आंकड़े हैं, और 2018-19 में ये आंकड़े बढ़कर पहुंच जाते हैं कितने, 70 करोड़ हर महीने तक। ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। गुरेश भाई सदन वीर बनाओ ना इनको, इन सबकी जो पेंशन है उसका हिसाब किताब आपके सामने है। यानी आप सैनिकों की पेंशन काटेंगे और इन पे आप लुटाएंगे, मैं गलत बोल रहा हूं गुरेश भाई? उसके पीछे जो लॉजिक होता है, सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि जनप्रतिनिधि निष्ठा के साथ अपना काम करें, उसमें कुछ गलत दुराचार नहीं करें। और मैं बड़ी खुशी के साथ ये बोल सकता हूँ कि पिछले 8 साल की मोदी सरकार में एक भी करप्शन का केस नहीं आया, इतनी साफ छवि वाली सरकार सर, है। मैं आप ना, ये पेंशन वाला प्ले करिएगा दूसरे वाला। सर करोड़पति पूर्व एमपी का आंकड़ा जानते हैं आप, एमपी एमएलए जो पेंशन लेते हैं, दूसरे वाला रेखा और चिरंजीवी जैसे अभिनेता करोड़पति पूर्व सांसद के नाते पेंशन पा रहे हैं, एक को 38,000 दूसरे को 27,000 पेंशन मिलती है। कई बड़े उद्योगपति करोड़पति पूर्व सांसद की पेंशन खा रहे हैं। लोकसभा में 88% करोड़पति सांसद हैं, यह आंकड़ा देखिए, और पूरे देश में 78% विधायक करोड़पति ये पेंशन पा रहे हैं। सर ये आंकड़ा है गुरेश भाई, स्क्रीन पर लाइए, ये आंकड़ा देखिए सर, 88% करोड़पति सांसद हैं, ये आप लोगों के आंकड़ों के मुताबिक कह रहा हूं, और देश में 78% विधायक करोड़पति हैं, इनको पेंशन मिल रही है, आगे पेंशन पाएंगे। आप चिरंजीवी की बात कर सकते हैं, आप रेखा जी की बात कर सकते हैं, मैं भी कहता हूं इनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन पॉलिसी जो बनती है एक आम व्यक्ति को नजरिए में रख के बनती है। अगर कोई विधायक, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मनोज यादव टोक देना मुझे आप, अगर कोई विधायक एक दिन के लिए, सांसद कोई एक दिन के लिए भी बनता है और तो छोड़िए, अगर कोई विधायक और फिर सांसद बन जाता है तो दो दो बार पेंशन मिलेगी सुविधा। अब इन्हें सदनवीर कोई नहीं कहेगा, क्यों गुरेश भाई? मुझे 3-4 मिनट में निकलना है, लेकिन कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं अभी मौजूद में बात कर रहा हूँ, मैं इस पर भी बात कर सकता था, लेकिन मेरे पास 2-2.5 मिनट है, दूसरे चैनल से फोन आ रहा है, इसलिए मैं मेन मौजूद पे बोलना चाहता हूँ। सर आप बताइए ना, आप उसी पे आंकड़े पे आइए ना जो मैंने आपके सामने रखा, ये भी तो सदनवीर हैं सारे, इनको सदनवीर बना दो। तो मैं आपको कहता हूं, आप एक पीआईएल लगाते हैं, चलाई थी ना देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, ये सब कुछ होता है मैं मानता हूं, वो हमारे आइडियल हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक चलाई थी ना वो सब्सिडी वापिस वाली, उसमें कई लोगों ने सब्सिडी वापिस है ना, तो ऐसी एक योजना कि जो सांसद जिनको जरूरत नहीं है, जो करोड़पति अरबपति हैं, वो एक काम करो नोटबंदी के मामले में आपने 50 दिनों में 60 परिवर्तन किए, जीएसटी के मामलों में 10 महीने में 376 परिवर्तन किए, कृषि कानूनों में भी ऐसा ही हुआ, तो क्या कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ भी आप वापस ले लेंगे, यानी सरकार वापस ले लेगी, क्योंकि 2 दिनों में आपने इस पूरी स्कीम को लेकर 2 परिवर्तन अब तक किए हैं, इसे क्या समझा जाए? लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो जो फॉर द पीपल हो बाय द पीपल हो तो वो पीपल के लिए ही काम करती है। और 10% आरक्षण की बात जो आप कह रहे हैं, सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स में कितनी भर्तियां होती हैं उसका एक आंकड़ा मेरे पास, यह आंकड़ा मेरा नहीं है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, गृह मंत्रालय का आंकड़ा यह कहता है कि पिछले 4 सालों में, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 4 सालों में 80% की गिरावट इसमें आई है, 80% की जवान कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडर की भर्ती में 80% की गिरावट 4 साल में। 2017 में 58,396 भर्ती होती हैं जवानों की सब इंस्पेक्टर की, 2018 में भर्ती होती है 30,098, और इसके बाद 2019 में 14,541,
आखिरी भर्ती 2020 में होती है, कितनी महज 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 10,144 भर्ती, अर्धसैनिक बलों की बात कर रहा हूं मैं, जो अग्निवीर अगले 4 साल में निकलेंगे उनका आंकड़ा होता है 46,000 और उनमें से 34,500 आप ही के मुताबिक बाहर हो जाएंगे। 60,000 में से 45,000 जो हैं वो इसमें फिट ही नहीं है, यानी कि 10% का आरक्षण का मतलब क्या हुआ, 1,000 नौकरी, 1,000 नौकरी आपके मुताबिक सर, और आप उसका इतना बड़ा ढोल पीट रहे हैं। गुरेश भाई मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो बोलो, ये तो गृह मंत्रालय का आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया। गुरेश भाई आप जो है ना ग्लास को आधा खाली दिखा रहे हैं, आप ये नहीं दिखा रहे कि भरावा कितना है, क्योंकि आप ये नहीं बता रहे कि जो 10 PSU हैं जो सेना के अंतर्गत आते हैं उसमें भी उन बच्चों को, आप ये नहीं बता रहे कि आसाम मध्य प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के पुलिस फोर्स में भी उनको तरजीह दी जाएगी। सर मैं सब बता रहा हूँ, आप बताइए ना 10% का मतलब, तो जैसे RPF है, RPF में 2020 में मनोज यादव जी, एक सेकंड सर, 7,380 के आसपास कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, यानी कि 10% आरक्षण का मतलब हुआ कितनी, 700 के करीब नौकरी, ये आप लोगों के आंकड़े सर। और जो 25% आप कह रहे हो अप टू है, जैसे हम किसी सेल में जाते हैं ऊपर लिखा होता है छोटा सा अप टू, ये 25% उसमें भी लिखा हुआ है सर। आप मुझे बताइए कि पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में कितनी भर्ती हुई, मध्य प्रदेश पुलिस में कितनी भर्ती हुई, आप बताइए ना सर, कितनी भर्ती हुई आसाम पुलिस में, मेरा तो कैलकुलेशन करके ही बैठा हूं तभी बता रहा हूं कि ये सारे के सारे बच्चे ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या वाकई में अग्निपथ स्कीम वापस हो सकती है, कदम पीछे खींच सकती है सरकार? आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बहुत सारे, आप मुझे मालूम है कि आप बोलेंगे कृषि कानून में भी आपने यही कहा था, लेकिन ये जो जिस प्रकार से पॉलिटिकल एजिटेशन हो रहे हैं ना, उसकी हवा निकलने वाली है। वो कैसे निकलेगी, जब रिक्रूटमेंट शुरू होगा तो जो लाइनें लगेंगी बच्चों की वो इस चीज को प्रदर्शित करेगी कि जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे वो वास्तव में छात्र नहीं थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये योजना हिट होगी, मुझे मालूम है ये योजना हिट होगी, जानते हैं क्यों? हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, जब 34 लोगों की नौकरी निकलती है तो 34,00,000 फॉर्म भरे जाते हैं, तो फिर ये योजना कामयाब क्यों नहीं होगी? मैं जानता हूं ये योजना कामयाब होगी, 100% बिल्कुल सही कहा आपने।